सुशांत की हत्या के बाद भले ही रिया चक्रवर्ती को फिल्में नहीं मिल रही हों, लेकिन उसकी लाइफ पूरी तरह से सेट हो चुकी है। उसने अपना पॉडकास्ट शुरू किया है और सुनने में आ रहा है कि वो फिल्मों के प्रोडक्शन में भी उतरने वाली है। यानी रिया चक्रवर्ती अब फिल्मों को प्रोड्यूस करेगी। जिसके पास केस लड़ने तक के लिए पैसे नहीं थे, अब वो फिल्मों को कहां से प्रोड्यूस करेगी? ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सीबीआई और ईडी टुकड़ा मुंह में लेकर चुपचाप बैठी हुई है। रिया चक्रवर्ती ने अपने आने वाले पॉडकास्ट में सुष्मिता सेन को बुलाया। सुष्मिता सेन और रिया चक्रवर्ती में बहुत बड़ी समानता है। समानता यह है दोस्तों कि सुष्मिता सेन भी रिया चक्रवर्ती के जैसी ही गोल्ड डिगर है, और ये बात खुद अपने पॉडकास्ट में रिया चक्रवर्ती ने ही कबूल की है। लेकिन जिस बात पर सुष्मिता सेन और रिया चक्रवर्ती को शर्म आनी चाहिए थी, उसे इन दोनों ने ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे कितने गर्व की बात है। रिया चक्रवर्ती ने सुष्मिता सेन से कहा कि इस कमरे में आपसे भी बड़ी गोल्ड डिगर है, क्या आप जानती हैं? सुष्मिता सेन एकदम से पूछती है, कौन? रिया चक्रवर्ती कहती है, मैं। फिर दोनों बहुत जोर से हंसती हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। सुष्मिता सेन जो पैसे के लिए अब तक 15 से ज्यादा अफेयर कर चुकी है, रिया चक्रवर्ती जो पैसों के लिए सुशांत सिंह राजपूत को खाई गई, कितनी बेशर्मी से कहती हैं कि मैं तुमसे बड़ी गोल्ड डिगर हूँ। ऐसी बेशर्म नचनियां अपनी लाइफ में जो कुछ भी करती हैं, उसका सीधा असर देश के युद्ध पर पड़ता है। ये दोनों अगर आम इंसान होती और अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा वैसा करती तो शायद ही किसी को कोई फर्क पड़ता, लेकिन इन दोनों नचनियों को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट को भी लाखों लोगों ने देखा होगा, और उनमें से कितने ही दर्शक ऐसे होंगे जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 18, 20, 21 साल तक होगी। ऐसे बच्चों की समझ बहुत ज्यादा नहीं होती और उन्हें नहीं पता होता कि जो चीज अच्छी तरह दिखाई जा रही है, जिसे अच्छा बताया जा रहा है, वास्तव में वो चीज अच्छी नहीं बल्कि घटिया है। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैं तुमसे बड़ी गोल्ड डिगर हूँ। ये बात जिस तरह से कही इसने, ये अपने आप में शर्म की बात है। लाखों बच्चे इस बात से इंस्पायर होंगे कि पैसे के लिए रिश्ते बनाना बहुत अच्छी बात है। ये वही सुष्मिता सेन है जो पिछले साल पैसे लेकर ललित मोदी के बिस्तर पर भांगड़ा कर रही थी। तब सुष्मिता सेन ने एक बयान दिया था कि उसे अब हीरा मिल गया है और ये दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया और सुष्मिता सेन अपने पुराने बॉयफ्रेंड रोमन शॉल के पास वापस आ गई थी। रोमन शॉल से सुष्मिता ने ब्रेकअप सिर्फ ललित मोदी के बिस्तर पर भांगड़ा करने के लिए ही किया था। 2-2.5 महीनों में करोड़ों रुपए छापे और वापस अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास वापस आ गई। ऐसे ही रिया चक्रवर्ती करने में लगी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत को मारने के बाद बंटी सचदेव से होते हुए जेरोदा ऐप के मालिक निखिल कामत के साथ अय्याशी की, और अब खबरें आ रही हैं कि उससे भी इसने रिश्ता तोड़ दिया है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती के अफेयर नहीं होते, बल्कि इसके जो रिश्ते होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होते हैं। आम लोगों में भले ही ऐसे रिश्ते ना बनते हों, लेकिन बॉलीवुड में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रिलेशनशिप आम बात है। यहाँ पर पैसे देकर गर्लफ्रेंड बनाई जाती है, उनका टाइम पीरियड फिक्स होता है, 2-3-4 महीने या इससे ज्यादा समय तक छोटी बड़ी सभी एक्ट्रेस पैसे लेकर गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करती हैं, तीसरी टांग के साथ मुजरा करती हैं और जैसे ही समय खत्म हो जाता है अपने घर पर बैठ जाती हैं या अगले शिकार की तलाश में लग जाती हैं। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ और दूसरे क्षेत्रों की इंडस्ट्री में भी ये काम हमेशा से चलता रहा है, लेकिन चर्चा बॉलीवुड की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि बॉलीवुड को बाकी इंडस्ट्रीज की तुलना में बड़ी इंडस्ट्री माना जाता है। पैसे लेकर बिस्तर पर मुजरा करने वाली सेलिब्रिटी नहीं होते, बल्कि इन्हें नचनिया कहा जाना चाहिए। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? अगर हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन का अपने ससुराल वालों के साथ झगड़ा इंटरनेट पर सबसे चर्चित विषयों में से एक है। फैंस अक्सर यह अनुमान लगाते हैं कि क्या बच्चन परिवार में सब कुछ ठीक है, क्योंकि हर बार कोई नया विवाद सामने आता ही रहता है। वहीं अब तक कई लोग ऐश्वर्या राय को ही दोषी मानते थे, लेकिन इस बार जब ऐश्वर्या राय ने पूरे बच्चन फैमिली को उनकी औकात दिखाई है, तब फैंस ऐश्वर्या के ही सपोर्ट में खड़े हैं। क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे बच्चन परिवार अपनी बेटी और बहू के बीच फर्क करता है, कैसे बच्चन परिवार अपनी नशेड़ी गंजेड़ी बेटी को तो सर पर बिठाता है मगर बहू और पोती का सरेआम अपमान करता है। तो आखिर ऐसा क्या किया बच्चन परिवार ने कि ऐश्वर्या को सरेआम करना पड़ा ससुर अमिताभ को बेइज्जत? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने।
तो काफी समय से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐश्वर्या और अभिषेक अलग हो गए हैं, लेकिन उनका तलाक नहीं हुआ है और वो एक ही घर में अलग अलग रह रहे हैं। इसी तरह अफवाहों का ये भी कहना है कि श्वेता बच्चन और निखिल नंदा अलग हो गए हैं, लेकिन उनका भी तलाक नहीं हुआ है। हालांकि बच्चन परिवार निखिल के प्रति सम्मान रखता है, जबकि वे अक्सर ऐश्वर्या के प्रति बहुत अधिक नेगेटिव रवैया अपनाते हैं। हाल ही में रेडिट पर स्क्रॉल करते समय हमें एक पोस्ट मिली जिसमें बच्चन परिवार द्वारा अपने दामाद और बहू के संबंध में दिखाए गए व्यावहारिक अंतर को उजागर किया गया है। अफवाहों के अनुसार अभिषेक और श्वेता बच्चन दोनों की मैरिड लाइफ में समस्याएं हैं और वो अपने अपने लाइफ पार्टनर से अलग हो चुके हैं। हालांकि बच्चन परिवार निखिल नंदा और उनके परिवार के प्रति बेहद रिस्पेक्टफुल और फ्रेंडली हैं। दूसरी ओर बच्चन परिवार के सदस्य मुख्य रूप से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन अक्सर कई मौकों पर ऐश्वर्या पर कटाक्ष करते हैं, टॉट कसते हैं। वो ऐश्वर्या और आराध्या के अस्तित्व को भी अनदेखा करना पसंद करते हैं, लेकिन निखिल और श्वेता के रिश्ते के मामले में ऐसा नहीं है। एक नेटिजन ने लिखा, दामाद और उनके परिवार को हमेशा बहू से ज्यादा सम्मान दिया जाता है इस घर में। वहीं अब ऐश्वर्या ने पलटवार करते हुए कुछ ना करते हुए भी बच्चन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल कल की फिल्म देखकर हर कोई अमिताभ बच्चन की तारीफ कर रहे हैं। कई रिव्यूज में ये तक कहा गया कि अमिताभ बच्चन ओवरशाइन कर गए हैं प्रभास और दीपिका पादुकोण को। अश्वत्थामा का रोल उन्होंने इतना जबरदस्त निभाया है, तो एक तरह से पूरी दुनिया अमिताभ बच्चन की तारीफ कर रही है। उनके परिवार की भी अगर बात करें तो नाव्या ने भी अमिताभ बच्चन की फोटो शेयर की। अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन के लिए कल की फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। इस स्क्रीनिंग में अभिषेक बच्चन थे, उनकी पूरी टीम थी, लेकिन ऐश्वर्या मौजूद नहीं थी। और सोशल मीडिया पर अभिषेक की टीम की तरफ से ये भी शेयर किया गया कि वो पिता की इस फिल्म को देखकर कितने शॉक्ड थे और कितने खुश हुए अपने पापा का काम देखकर। अभिषेक सोशल मीडिया पर भी कल की फिल्म को लेकर चीजें शेयर करते ही रहे हैं। लेकिन बात करें ऐश्वर्या राय की, तो ऐश्वर्या राय ने कल की फिल्म को लेकर एक पोस्ट तक नहीं किया है। जहां एक तरफ दुनिया अमिताभ बच्चन के काम की तारीफ कर रही है, क्रिटिक्स फैंस हर जगह अमिताभ बच्चन का जिक्र हो रहा है, वहीं ऐश्वर्या राय ने इंस्टा पर एक पोस्ट तक नहीं डाली है अमिताभ बच्चन को लेकर या कल्की को लेकर। अब सोशल मीडिया पर बस यही चर्चा चल रही है कि आखिर ऐश्वर्या ने कल्की को लेकर कोई भी पोस्ट क्यों नहीं डाली। वहीं ऐश्वर्या के फैंस कह रहे हैं कि ऐश्वर्या ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी फिल्मों की तारीफ कर रहे हैं जिसमें थे ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों, लेकिन तारीफ वो सिर्फ अपने बेटे अभिषेक की कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने हाल ही में मणिरत्नम की फिल्म रावण फिल्म की तारीफ की, तो उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे अभिषेक के काम की तारीफ की। इसके अलावा कजरारे सॉन्ग के बारे में जब उन्होंने बात की, तब भी उन्होंने बहू ऐश्वर्या का जिक्र तक नहीं किया था। तो अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट में ऐश्वर्या की तारीफ नहीं की, उन्हें इग्नोरेंस दी है, तो ऐश्वर्या ने भी इधर इग्नोरेंस का जवाब इग्नोरेंस से ही दिया है। तो फैंस कह रहे हैं कि ऐश्वर्या ने चुप रहकर भी बच्चन को उनकी औकात दिखा दी है। तो अब तक तो खबरें यहीं तक थी कि ऐश्वर्या की अपनी सास जया और ननद श्वेता से नहीं बनती है, लेकिन अब जिस तरह से ऐश्वर्या ने अमिताभ बच्चन की कल की फिल्म को लेकर इग्नोर किया है, उससे लगता है कि झगड़ा अब और आगे तक बढ़ चुका है।